Morning students, today I am going to teach you subject science for class 3 chapter 2, and this chapter name is safety and home. Okay, in this chapter there are 6 main points, and these main points are here. First, be safe in the classroom. Second, be safe on the playground. Third, be safe on the road. Fourth, first aid. Fifth, a good house. And sixth, care of the house. यही main 6 points को हम लोग discuss करने वाले हैं इस chapter में. Okay, let's start our chapter. So students, our first point is be safe in the classroom. Okay, first point, do not hit anyone or throw things at them. It means किसी others के तरफ कोई भी चीज throw नहीं करना है और उनको hit नहीं करना है. तो in the classroom, classroom में किसी भी other students को ना hit करना है ना उनकी तरफ कोई इधर उधर कोई things को फेंकना है, ठीक है. Second, do not climb on the desk. इस बात का ऑलवेज ध्यान रखना है कि डेस्क के ऊपर क्लिम नहीं करना है, ठीक है, ये सेफ्टी है. थर्ड, यूज ए शार्पनर टू शार्पन पेंसिल. वी शुड ऑलवेज यूज शार्पनर टू शार्पन पेंसिल. हम लोग को पेंसिल को शार्पन करने के लिए ऑलवेज यूज करना चाहिए शार्पनर, ठीक है. एनी अदर थिंग्स जैसे कि ब्लेड्स वगैरह का यूज नहीं करनी चाहिए. फोर्थ नंबर, बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग सीजर्स एंड नीडल्स. जब हम लोग सीजर्स एंड नीडल्स को यूज करते हैं तो उस टाइम बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है, नहीं तो थोड़ा सा अगर केयरलेस होने से क्या होता है कि वो सीजर्स या नीडल्स से कट जाता है ना, हमारे हैंड्स कट जाते हैं, इससे बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है. तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, बी सेफ इन द क्लासरूम. तो क्लासरूम में कौन कौन सी सेफ्टी को ध्यान में रखना चाहिए, ये 4 पॉइंट्स हैं इसको, ठीक है. तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं. और सेकंड पॉइंट इज बी सेफ ऑन द प्लेग्राउंड. ओके, जब हम लोग प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं तो हम लोगों को बहुत सारे रूल्स को फॉलो करने चाहिए, ठीक है, जिससे कि इंजरी से बचा जा सकता है और जॉयफुल हम लोग खेल सकते हैं, ठीक है. तो ये कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हैं, सेफ्टी रूल्स हैं, इनको फॉलो करने चाहिए, ठीक है, ऑन द प्लेग्राउंड. फर्स्ट पॉइंट, लर्न एंड फॉलो द रूल्स ऑफ विच एवर गेम यू प्ले. आप कोई भी गेम खेल रहे हैं तो उसको पहले सीखना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, और उसके उस गेम्स के जो रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है. ये फर्स्ट हमारा सेफ्टी रूल है, ठीक है. सेकेंड, डू नॉट हिट अदर विथ अ बैट or ball or anything which can cause injury. कोई भी ऐसे things से या फिर bag हो या कोई भी चीज से hit नहीं करना है any others को, किसी को hit नहीं करना है ताकि क्या हो कि वो injury का cause बन जाए, ठीक है. तो इस चीज पे mainly ध्यान रखना है, ठीक है, on the playground. Third, wait for your turn at the swing, at the seesaw, in fact anywhere. यानी कि अपने turn का wait करना है, ठीक है, सीसॉ पर हो या फिर जाकर के आपको स्विंग पे हो, ठीक है. तो अपने टाइम का, अपने चांस का, अपने टर्न का वेट करना है, ठीक है. तो ये कुछ सेफ्टी रूल्स है, ठीक है, जिसको फॉलो करना चाहिए कहाँ पर, ऑन द प्लेग्राउंड, ठीक है. तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स. और नेक्स्ट पॉइंट इज बी सेफ ऑन द रोड. वी शुड ऑलवेज बी सेफ ऑन द रोड बिकॉज इट्स वेरी डेंजरस फॉर आवर लाइफ. ओके, लेट्स सी सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड. फर्स्ट, walk on the footpath or on the safe side on the road. Always walk on the footpath. ठीक है? Always जो है footpath पर ही walking करना चाहिए, ठीक है. Second, always cross the road at the zebra crossing. We should always cross the road at the zebra crossing. Zebra crossing से ही road को cross करना चाहिए always, ठीक है? नहीं तो accident होने का ज्यादा chances होते हैं. जेब्रा क्रॉसिंग जो होता है रोड पर व्हाइट एंड ब्लैक साइड्स के जो जेब्रा के कलर्स के लाइन खींचे होते हैं रोड्स के बीच में, उसको बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है. थर्ड, व्हेन राइडिंग ए बाइसाइकल कीप टू योर लेफ्ट एंड सिग्नल बिफोर टर्निंग.
कभी भी बाइसाइकिल को राइडिंग करते हैं तो ऑलवेज अपने लेफ्ट साइड में ही चलानी चाहिए, ठीक है। और टर्निंग के टाइम, एट द टाइम ऑफ टर्निंग सिग्नल देना, यानी कि लेफ्ट साइड से, है ना, या राइट हैंड से टर्निंग के, जिधर टर्निंग करनी है उससे पहले सिग्नल देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखो एक्सीडेंट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट गेट इनटू और गेट ऑफ ए मूविंग बस, मूविंग बस यानी कि चलते हुए बस में गेट इन और गेट ऑफ नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर क्या होता है कि एक्सीडेंट के ज्यादा चांसेस है, ठीक है, इंजरी के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। चलती हुई बस में ना अंदर जाना है ना ही बाहर निकलना है, जब बस स्टॉप हो जाए तो गेट इन और गेट ऑफ होना है, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट पुट योर हैंड और हेड आउट ऑफ ए मूविंग बस, मूविंग बस में एट द टाइम ऑफ मूविंग बस अपने हेड को और अपने हैंड को बाहर नहीं निकालना है, ठीक है, नहीं तो फिर एक्सीडेंट होने के फुल्ली चांसेस है, ठीक है ना। तो ये सब जो है सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड है, हम लोग को ऑलवेज ये चीज को फॉलो करनी चाहिए, इन रूल्स को, ठीक है, तभी हम लोग सेफ रह सकते हैं ऑन द रोड, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट एड। फर्स्ट एड आफ्टर एक्सीडेंट, जो फर्स्ट हेल्प हम लोग देते हैं इंजर्ड पर्सन को डॉक्टर के आने से पहले, उसे फर्स्ट एड बोलते हैं, ठीक है, एक टेम्पररी ट्रीटमेंट होता है फर्स्ट एड, ठीक है। तो फर्स्ट एड में कौन कौन सी बातें हम लोग को ध्यान में रखनी पड़ती है वो चीज देखना है। फर्स्ट, कीप काम, डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन, ओके, कीप काम, डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन, यानी कि इंजर्ड पर्सन के अराउंड में कीप काम यानी शांत रहना है और ज्यादा भीड़ भड़कम नहीं लगाना है, ठीक है, क्राउडेड एरिया को नहीं बनाना है, ठीक है, फर्स्ट ये। सेकंड, कॉल ए डॉक्टर और एन एडल्ट, उसके बाद डॉक्टर को कॉल कर दीजिए या फिर अपने जो एडल्ट हैं घर के बड़े हैं उनको कॉल करना, उनको बताना है, ठीक है। थर्ड, डू नॉट लेट वाउंडेड ब्लीड, लॉस ऑफ ब्लड इज हार्मफुल, ठीक है, वाउंडेड ब्लीड यानी कि जो स्किन, वाउंडेड क्या होता है कि कट ऑफ स्किन होता है, ठीक है ना, स्किन पर जो कट जाते हैं, कट लग जाता है, तो वाउंडेड यानी ब्लीडिंग जब हो रहा है तो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, ठीक है, बिकॉज लॉस ऑफ ब्लड इज हार्मफुल, ब्लड का जो लॉस है वो वेरी हार्मफुल होता है, ठीक है। क्लीन द वाउंड विथ एन एंटीसेप्टिक लोशन, ठीक है, तो जो वाउंड लग चुकी है, कट लग चुकी है स्किन पर, उसको एक एंटीसेप्टिक लोशन के थ्रू उसको क्लीन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टाई ए क्लीन हैंकी और ए बैंडेज ओवर द वाउंड, ठीक है, एक क्लीन हैंकी या फिर बैंडेज को उस पर टाई करेंगे, है ना, बांध देंगे वाउंड के ऊपर। नेक्स्ट, मेक द इंजर्ड पर्सन सिट और लाई डाउन, इंजर्ड पर्सन को या तो बैठा दीजिए, सीट करा दीजिए, या फिर उसको लाई डाउन आराम से उसको लेटा दीजिए, ठीक है, एक ये हुआ फर्स्ट एड। फिर कंफर्ट योर इंजर्ड फ्रेंड, ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले आप उसको इंजर्ड फ्रेंड को कंफर्ट कराइए, यानी उसको थोड़ा आराम महसूस कराइए, ठीक है। तो ये सब टोटली थे हमारे फर्स्ट एड, है ना, डॉक्टर के आने से पहले जिसको जो फर्स्ट हेल्प होता है उसको फर्स्ट एड बोलते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट एड में इन सारी बातों को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट पॉइंट इज ए गुड हाउस, हाउसेस कीप अस सेफ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड स्टॉर्म, ओके, ए गुड हाउस, किसी भी घर को एक गुड हाउस कैसे कर सकते हैं, किसी भी हाउस को कुछ क्वालिटी फुलफिल होनी चाहिए हाउसेस की, तो ही हम उसको गुड हाउस बोल सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए गुड हाउस की। फर्स्ट, द रूम इन ए हाउस शुड बी एयरी एंड वेल लिट, इट मींस जो रूम है हाउस की, जो रूम्स हैं वो एयरी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि फ्रेश एयर इंटर कर सके रूम के अंदर, ठीक है। सेकेंड, ए हाउस शुड हैव ओपन स्पेस लाइक बरांडा, दिस गिव अस फ्रेश एयर एंड सनलाइट, हाउस के अंदर एक ओपन प्लेस होनी चाहिए जिसे बरांडा वगैरह बोलते हैं, ठीक है, जिसे क्या है कि वो हमें दे सकते हैं फ्रेश एयर और सनलाइट दे सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो हाउस है वो एयरी रहे पूरा। थर्ड, ए हाउस शुड हैव अ वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम, वेस्ट वाटर, घर में जो वाटर यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, क्लीनिंग के लिए, तो जो वेस्ट हो जाते हैं वाटर उनको भी उनके ड्रेन्स के लिए क्या है कि एक वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो बाहर इजिली निकल सके, ठीक है, तो ये भी एक क्वालिटी है। लास्टली, डोर एंड विंडो शुड बी फिटेड विथ वायर नेटिंग टू कीप फ्लाइज एंड मॉस्किटो अवे, डोर्स एंड विंडोज जो है वो नेटिंग, है ना, वायर नेटिंग होनी चाहिए, वायर नेटिंग मीन्स
नेट की एक जाल बनी होनी चाहिए ताकि जो इंसेक्ट्स हैं, मॉस्किटो हैं, फ्लाइज हैं, वो घर में रूम में इंटर ना कर सके, ठीक है, ताकि किसी तरह कोई हार्मफुल ना हो हमें। तो ये सारी क्वालिटीज हैं, ये गुड हाउस की क्वालिटी है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे केयर ऑफ हाउस, नेक्स्ट पॉइंट हमारा केयर ऑफ हाउस है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट पॉइंट, बी सेफ एट होम। होम में कौन कौन सी सेफ्टी रूल्स होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट लीव योर टॉयज, बैग्स एंड शूज ऑन द फ्लोर। इट मींस फ्लोर पर अपने टॉयज को, बैग्स को, शूज को ऐसे ही बिखरा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे क्या होता है कि फिर पैर पड़ने के बाद एक्सीडेंट होने के चांसेस है, इंजरी होने के चांसेस है, ठीक है। सेकेंड, बी केयरफुल विद द शार्प थिंग्स लाइक नाइव्स, ब्लेड्स एंड सीजर्स। सीजर्स, नाइव्स एंड ब्लेड्स के यूज के टाइम क्या है कि बी केयरफुल होना चाहिए, ठीक है, एट द होम। नेक्स्ट, फायर कैन हर्ट यू वेरी बैडली। फायर जो है, इट मीन्स आग, वो बहुत ज्यादा हर्ट पहुंचाता है, ठीक है। बी केयरफुल नियर स्टोव्स एंड बॉइलिंग वाटर। इसलिए स्टोव्स जहां पर जल रहे हैं या फिर बॉइलिंग वाटर रखा हुआ है वहां पर, उससे हम लोग को बहुत ही ज्यादा बी केयरफुल होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज फायर कैन हर्ट वेरी बैडली। नेक्स्ट, व्हाइल लाइटिंग कैंडल एंड मैचेस, होल्ड हिम अवे। जब हम लोग कैंडल जलाते हैं या फिर मैच बॉक्स को, तो अपने आप को उस फायर से, उस मैच बॉक्स से, कैंडल से, उससे थोड़ा हम लोग को अवे रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल गैजेट्स विथ वेट हैंड। वेट हैंड कहने का मतलब है गीले हाथों से, ठीक है, यानी कि गीले हाथों से हम लोग को इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को नहीं छूना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, टेक मेडिसिन ओनली आफ्टर आसिंग ऑन एडल्ट्स। जब हम लोग मेडिसिन लेते हैं तो एट द होम, जब लोग मेडिसिन लेते हैं तो अपने बड़ों, अपने जो घर के बड़े हैं, एडल्ट्स हैं, उनकी सलाह से, उनके आस्किंग से ही हम लोग को मेडिसिन लेनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, सेफ्टी एट होम, ठीक है। तो होम के अंदर भी, घर के अंदर भी बहुत सारी सेफ्टी रूल्स को फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, जिससे हम लोग बी केयरफुल एंड सेफ रह सकते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उसको आगे डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आवर लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज केयर ऑफ द हाउस। इट मींस हाउस को केयर कैसे कर सकते हैं, गुड हाउस बनाने के लिए हाउस को केयर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी, फर्स्ट पॉइंट, ड्रेन्स ऑफ द किचन एंड बाथरूम मस्ट बी कवर्ड। ड्रेन्स फ्रॉम द किचन एंड बाथरूम मस्ट बी कवर्ड। इट मींस किचन एंड बाथरूम के जो ड्रेन्स हैं उनको कवर्ड करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर उसे क्या होता है कि जो बैड स्मेलिंग आने लगती है, फिर है ना, इंसेक्ट्स प्रोड्यूस होने लगते हैं, तो इसको कवर करके रखना चाहिए, ठीक है, बाथरूम एंड किचन के जो ड्रेन्स है, ठीक है। सेकंड, वॉश बेसिन, टॉयलेट एंड बाथरूम मस्ट बी वॉश एंड क्लीन डेली, ठीक है। वॉश बेसिन, टॉयलेट एंड बाथरूम को डेली प्रॉपरली उनको क्लीन करनी चाहिए, ठीक है। थर्ड, डस्टबिन मस्ट बी कवर्ड सो दैट फ्लाइज डू नॉट ले ए इन द रबिश। डस्टबिन को ऑलवेज कवर्ड करके रखना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा, जो फ्लाइज हैं, मॉस्किटो हैं, वो एक लेन करने लगेंगे उसमें, ठीक है, फिर इंसेक्ट्स प्रोड्यूस होने लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, गार्बेज मस्ट बी थ्रोन इन अ प्रॉपर डंपेज प्लेस, ठीक है, एंड नॉट ऑन द रोड। जो गार्बेज घर में निकलते हैं, ठीक है, वेस्टेज गार्बेज, उनको एक प्रॉपर ड्रेनेज प्लेस पे, है ना, ड्रेनिंग प्लेस पे उनको थ्रो करना चाहिए, ठीक है ना, डंपिंग प्लेस पे थ्रो करना चाहिए, इधर उधर रोड वगैरह, है ना, फिर स्ट्रीट वगैरह में उसको नहीं बिखेरना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कर्टेन्स मस्ट बी वॉश्ड रेगुलरली। जो घर के कर्टेन्स होते हैं, पर्दे, उनको रेगुलरली जो है वॉश कर देना चाहिए ताकि उनकी डस्ट वगैरह ना बैठी रहे, ठीक है। तो ये सब टोटल हम लोग केयर ऑफ द हाउस पढ़े, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फाइनली हमारा चैप्टर एंड हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या सीखे, ठीक है, हम लोग सीखे सेफ्टी, ठीक है, एंड गुड हाउस, केयरिंग ऑफ द हाउस, ठीक है। तो सेफ्टी में हम लोग बहुत सारी सेफ्टी सीखे हैं ना, सेफ्टी इन द क्लासरूम, सेफ्टी ऑन द रोड, सेफ्टी इन द हाउस, सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड, फर्स्ट एड के बारे में हम सीखे, एंड फाइनली गुड हाउस की क्वालिटी देखें, एंड केयर ऑफ द हाउस यानी अपने हाउस को कैसे कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट यू विल अंडरस्टैंड
all these points in this chapter. Okay? Thank you for watching this video. Thank you.